और आज जो हम बोल रहे थे ना, हमें जो घर देखना था, ये वाला ये घर है, ठीक है। इस घर को तो हमने खरीद ही लिया, अब हो सकता है तो ये घर की बारी है, ठीक है। लेकिन इससे पहले बात करना पड़ेगा। ये सब गैस बनी रहती है क्या अंदर से? तो दोस्तों, फाइनली टंकी की पूरी सफाई हो गई है, पूरा टंकी एकदम नया हो गया, ये देखिए। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। का मॉर्निंग का टाइम लखनऊ में बहुत तेज़ हो रही है, बारिश इतना हो रहा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा भाई साहब। रात भर बारिश हुआ है, ठीक है। पानी जो है पूरा चारों तरफ भर गया, एकदम खचाखच। बारिश इतनी हो रही है कि गोमती नगर, लखनऊ की जो मेन सिटी टाउन है ना, वो सबका सब जो है पानी से भरा जा रहा है। क्योंकि हम कल ही देख लिए थे, पानी का स्तर एकदम उठता जा रहा है, क्योंकि बारिश जो है 3-4 दिन से लगातार हो रहा है। बट कोई बात नहीं, चलिए आज के प्यारा व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बारिश तो आते जाते रहेंगे, प्यारा मौसम है, ये भी आना बहुत जरूरी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों, फाइनली अभी घर से आ गए फाइबर शीट लेने के लिए, क्योंकि लगाना छत के ऊपर जो आंगन वाला जाली होता है उसमें, क्योंकि पानी बहुत भर जाता है। हाँ, आपका भी आ रहा है सर, बिल्कुल। ये दुकान के मालिक साहब हैं सर, इनसे बहुत पहले मुलाकात हुई। तो दोस्तों, फाइनली फाइबर लेकर के आ गए घर पर, और इस वाले पर लगाना है। इससे बड़ा ही है ना फाइबर, 1 इंच है ना। पता है एक्चुअली में होता है क्या दोस्तों, कि पानी जो है ना नीचे चला जाता है, बहुत गंदा हो जाता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता दोस्तों, ठीक है। इसी पे फाइबर लगा देते हैं कंप्लीट करके, ताकि जो पूरा जो फिनिश हो जाए, पानी बिल्कुल भी घर के अंदर ना जाए। और साथ ही साथ यहाँ का मौसम आप लोग देखिए, कितना प्यारा लग रहा है, हरा भरा। अगर ये दीवार अगर नहीं घिरवाते ना, तो इधर ही हम लोग वीडियो शूट करते, बट मजबूरी है, शूट करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। मजबूरी कारण ये है, इसको बंद करवाने का हम सोच रहे हैं कि बाहरी आदमी जो कोई देख ना सके, क्योंकि हमारी फैमिली में रहेंगे तो चलना है। ये पूरा खुल जाता है, पूरा वहां तक सटा दीजिए दीवार में बढ़िया से। अब तो पानी आएगा नहीं है ना, कंफर्म नहीं आएगा। अभी दोस्तों ऊपर का काम हो गया, तो अभी नाश्ता लेकर के आए थे, तो हमारे भैया मिलकर अभी नाश्ता किए हैं, और अभी बाहर के करेंगे साफ़ सफाई। आज भी कोई काम नहीं, मिस्त्री साहब और लेबर साहब नहीं आएंगे, क्योंकि ऊपर प्लास्टर कराना है। प्लास्टर होगा वॉशरूम के ऊपर में, तभी टोटी लग पाएगा, लाइट भी लग पाएगा। तो मस्त अभी खाना खाए, तो अभी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद अभी जाएंगे तार लेकर के आएंगे ऊपर, लाइट का पूरा व्यवस्था कर देंगे। और हमारे जस्ट घर के बगल में एक और घर है, उसको देखने के लिए चलेंगे, हो सकता है वो भी घर खरीदेंगे। तो दोस्तों, फाइनली लाइट जो है आ चुका है, लेकिन भाई साहब आपको बताया कि जो हमारा जो इन्वर्टर है ना, अभी तो सब सामान इधर बिखरा पड़ा है, क्योंकि अभी एक सूट चला है ना, इसलिए इस कपड़े को यहाँ रखना पड़ रहा है। ये गीला नहीं रखेंगे इसके अंदर, नहीं बहुत भीगा हुआ पसीना टाइप का है, तो दिक्कत हो जाएगा। अब हमारा इन्वर्टर भाई साहब का काम ये होता है कि भाई, एक तो ये फ्रिज नहीं चल सकता है, ठीक है, साथ ही साथ कोई ज़्यादा वाट का हो कोई चीज़ें तो वो भी नहीं चलेगा, और बाहर का भी लाइट जो है ना बहुत ज़्यादा वाट का है, तो वो भी एक दो लाइट जलता है, नहीं तीन चार चार पाँच चार पांच लाइट है, शायद दो लाइट नहीं जल पाता, तीन जल जाता है। लेकिन जब बिजली आती है, बत्ती आती है, तब वो पूरा जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। पंखे चल जाते हैं, ये भी पंखा चल जाते हैं, पूरे लाइट जल जाती है, अंदर की पूरी लाइट जल जाती है, ठीक है। ज़्यादा वाट वाली चीज़ें जो है ना बिल्कुल भी नहीं जल पाता हमारे इन्वर्टर से, ठीक है, क्योंकि इन्वर्टर इन्वर्टर होता है, बिजली में इन्वर्टर में बहुत ही अंतर होता है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि ऐसा कोई बिजली का यंत्र बना हुआ है जो चार्ज करने के बाद बिजली से मतलब ज़्यादा वाट की चीज़ें जो है चल सकती। तो अभी सो के उठे हैं मस्त, उसके बाद सैलून आ गए हैं दाढ़ी कटाने के लिए। हम दिख रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल। कौन से एंगल के लिए, रिवाइडिंग में कैसा है भैया? 1x पे। हाँ, क्योंकि दोस्तों घर बनाने के चक्कर में बिल्कुल भी दाढ़ी उड़ी नहीं कटवा पाए, लगभग 1 महीने से ऐसे ही हमने दाढ़ी छोड़ रखा है, ठीक है। अभी 1 महीने और छोड़ देंगे, समझिए पूरा बिल्कुल दाढ़ी बढ़ जाएगा, फिर बेकार सा लगने लगेगा चेहरा हमारा। बाल भी नहीं कटवाए, बाल वैसे बढ़ाना है दोस्तों ना, इस वजह से ऐसे ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। अभी जस्ट वीडियो वगैरह अपलोड कर दिए तो टेंशन फ्री हो गए हैं, और अभी बिजली का तार लाना है और एक पाइप लाइन लाना है, लगा देंगे घर में, उसका फिर बढ़िया से फुल लोकेशन पर घूमने जाएंगे। अभी जस्ट दाढ़ी कटवा लिया दोस्तों हमने, पूरा नहीं कटवाया क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था ना, ये सब छोटा छोटा करवा लेंगे बिल्कुल एकदम मज़ा नहीं आता है। अभी दोस्तों सैलून से दाढ़ी बनवाने के बाद आए हैं तार लेने के लिए, क्योंकि भाई सब लगाना छत के ऊपर में, वायरिंग पूरा करना है, और एक क्लिप है ले लो, एक बल्ब ले ही लो, फिर 100 रुपये और ये बल्ब एक लेना है कि रहना देख बाहर लगाना है, तुम्हें एक बाथरूम के अंदर लगाओगे बाहर लगाओगे दो
2000। तो दोस्तों अभी हम पाइप लेने के लिए आ गए हैं क्योंकि पानी में भी बहुत प्रॉब्लम होता है ना, बाहर मोटर लगा हुआ है तो उसमें लगाना है। नया ही है ना भैया? ये वाला थोड़ा पुराना लगा दोस्तों, तो नया पाइप लेना ज़रूरी है। ये है, अब सही है। अच्छा, गैस बनी रहती है क्या अंदर से? गैस इसलिए भैया मुझे आपके लिए पाइप लीकेज नहीं होगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक ठीक। अब अगर पाइप पिचका हुआ है तो समझ लीजिए पाइप। आज दोस्तों पूरा दिन बिजली जो है ना नाटक किया है, ठीक है, कभी आता कभी चला जाता है। ये तो शुक्र है कि हमारे पास इन्वर्टर है जिसकी वजह से फ़ोन वगैरह चार्ज हो, तो बगल में पूजा भी हो रहा है, अच्छी बात है। और साथ ही साथ भैया यहाँ पे मोटर में बढ़िया तरीके से पाइप को फिट कर रहे हैं। हो जाएगा कि मंगवाना पड़ेगा? है तो भैया की दुकान से लेके चले आओ, छोटा तो करना ही पड़ेगा उसको। उसको निकालिए पहले, हाँ वोल्ट निकालिए पहले, उसके बाद ही हो पाएगा। ये पूरा इसमें से निकालना पड़ेगा, बड़ा तो नहीं दे दिए हैं? नहीं, कसने वाला सिस्टम इसमें होएगा ना। और आज जो हम बोल रहे थे ना, हमें जो घर देखना था, ये वाला ये घर है, ठीक है। इस घर को तो हमने खरीद ही लिया, अब हो सकता है तो ये घर की बारी है, ठीक है। लेकिन इससे पहले बात करना पड़ेगा, ये भी घर बिल्कुल सेम है लेकिन इसमें कलर वगैरह किया हुआ है तो अच्छा लग रहा होगा आप लोग को। इसमें भी कुछ है नहीं क्योंकि ये कंपनी की तरफ से बनाया गया है, ठीक है। ऐसा सेम घर यहाँ भी आपको सामने देखने को मिले, साइड में भी है और यहाँ भी। तो दोस्तों अभी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर के आए तो इस घर में लग नहीं पाएगा क्योंकि भाई साहब अभी ऐसा सीन है ना कि पूरा जो है ना ये उखड़ के नीचे फेंका जाएगा, ठीक है, सब उखाड़ उखाड़ के सब सेटरिंग को, तो कहीं टूट भी सकता है। तो अभी इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लगाते हैं, टूटी वगैरह लग जाता तभी लगाते हैं ना। ऐसे अभी फिलहाल रख दीजिए, घर के अंदर भी रख दीजिए, है ना, काम आ जाएगा। हालांकि अभी टेम्प्रोरी बस सस्ता काम करवा रहे क्योंकि यहाँ से कनेक्शन लेंगे, नीचे वाला जो बोर्ड लगा हुआ है ना वहाँ से ऐसे करके कनेक्शन ला करके इस जगह पे ऐसे इसके अंदर घुसाना है, ठीक है। एक बाहर कर देना है, एक अंदर में कर देंगे, है ना, अपना रात भर नहाने वाने के लिए कोई दिक्कत भी ना होना। चलिए कोई नहीं, और मौसम का नज़ारा देखिए, वैसा का वैसा ही, दोपहर में भी वैसा था, अभी भी वैसा है, बारिश का सीन चल रहा है इसी वजह से। अभी दोस्तों हम लोग मिलके कर रहे हैं टंकी की सफाई, ठीक है। टंकी की सफाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि अंदर में ना बहुत ही ज़्यादा कचरा जमा हुआ है। ऊपर दोस्तों टंकी की सफाई हो रही है तो पानी यहाँ से चालू करना पड़ रहा है। बंद कर दे। हाँ तो दोस्तों फाइनली टंकी की पूरी सफाई हो गई है, पूरा टंकी एकदम नया हो गई है दोस्तों, पानी पूरा एकदम फ्रेश फ्रेश आएगा दोस्तों, ठीक है। पहले इतना ज़्यादा गंदा था पूछिए नहीं। मस्त तो टंकी चालू था, बढ़िया पानी आता, एकदम फ्रेश फ्रेश एकदम मस्त नहा लिए क्योंकि रात में करीबन आता है यहाँ पे बिजली, ठीक है। दिन भर ऐसे गुल होने के कारण क्या है कि बारिश बहुत तेज़ हो रहा था तो इसी वजह से बत्ती जो है पूरा दिन भर कटा हुआ था। तो इन्वर्टर पे काम चला रहे थे इसलिए दिन में हम लोग धुल नहीं पाए, शाम में जैसे बत्ती आए तो हमने सोचा कि चलो पानी का टंकी भी स्टार्ट करेंगे और टंकी को भी बढ़िया सफाई कर देंगे। तो आज के ब्लॉग के लिए इतने, बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, अदर से पूरा पूरा फुल सपोर्ट के बगल में जाकर के फॉलो कर लीजिए, अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।